6 आवर इज सफिशियंट, एक बच्चा पूछ रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या 6 घंटे निरंतर पढ़ाई करने से वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेगा? बिल्कुल कर लोगे बेटा आप, पर वो 6 घंटे की पढ़ाई सच में 6 घंटे की पढ़ाई हो? क्या आपके अंदर इतनी एकाग्रता है, क्या आपके अंदर इतना फोकस है कि आप जब 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके इस दूषित दिमाग में, इस पोल्यूटेड माइंड में कुछ भी और ना चले? आपके मन में एक तीव्र इच्छा ना आए कि आप मोबाइल फोन उठा के कुछ वीडियोस देख लो? आपके मन में बार बार इच्छा ना आए कि आप किसी तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर लो? अगर अपनी इंद्रियों पे आप काबू कर लो तो 6 घंटे की पढ़ाई अपने आप में बहुत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। जो आपकी सारी दिक्कतें हैं, बैकलॉग की, टेस्ट में अच्छा नंबर ना आने की, मोटिवेशन के कम होने की, डिप्रेशन की, ये सारी दिक्कतों का सलूशन आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि आप तो भविष्य में डॉक्टर बनने जा रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, इन सभी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप तो डॉक्टर बनोगे। आपके पास जब बेटा कोई मरीज आएगा, आप सब भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हो ना, या आपने अपने आसपास डॉक्टर को देखा होगा, तो आप एक बात बताओ, जब डॉक्टर के पास मरीज आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कि मुझे बैकलॉग की बीमारी हो गई है, कि मैं जो जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो समय पे नहीं पढ़ पाता हूँ और हमेशा मेरी पढ़ाई छूट जाती है, या मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, या मेरे अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है ये बताओ? डॉक्टर उस व्यक्ति को टैबलेट दे देता है, या उसका जांच करता है भाई, डायग्नोस करता है, टेस्ट लिख देता है, और उसके बाद उसको दवाएं दे देता है कि ये दवा खा लो, ये टैबलेट खा लो, सही हो जाओगे। अब आप बताओ, वो टैबलेट क्या उसका लॉन्ग टर्म का इलाज है, हमेशा के लिए इलाज है? नहीं, टैबलेट खाने से जो अभी समस्या आई थी वो खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते के लिए आप स्वस्थ हो जाओगे, 1 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे, 6 महीने के लिए स्वस्थ हो जाओगे। डॉक्टर क्या बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, जब आपके शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ जाए, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाए, कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में पैदा हो जाए, तो डॉक्टर भी दवाई पे भरोसा इतना नहीं करता जितना इम्यूनिटी पे करता है। अब आप इस क्लास में आते हो और इस क्लास में आके कमेंट करते हो कि मेरे को मोटिवेशन कम है, मेरे को एक कुछ डायलॉग आप ऐसा बता दो, ऐसा कुछ आप बोल दो कि मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाए, मेरा बैकलॉग हो गया है, इसका आप कुछ सलूशन दे दो कि मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए, जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे, अभी मुझे कोई एक टैबलेट दे दो कि मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। हो सकता हो आज मैं ये चीज़ कर भी दूँ और भविष्य में आपको और बड़ी बीमारी लगेगी, आपको किसी चीज की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे। जिस तरह से डॉक्टर के पास जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, तो वो स्टेज अपनी मत आने दो। डॉक्टर क्या बोलता है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास, आपके अगल बगल हैं, इनको यदि आप 1-2 दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में आ जाएंगी। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। आपने कोई वेब सीरीज देखी, आपने कोई शो देखा, आप दोस्तों के साथ बाहर पार्टी पे चले गए, खाने पीने चले गए, आप मोबाइल पे शॉर्ट्स देख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे किसी से रात रात बात कर रहे हो, ये जितनी भी आप मौज मस्ती कर रहे हो, इससे आप कभी भी जीवन में एक बड़े मनुष्य, एक सफल मनुष्य नहीं बनने वाले। किस्सा मौज मस्तियों का नहीं, मेहनतों का मशहूर होता है, मेहनतों के किस्से मशहूर होते हैं। ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनसे लड़ने का क्या तरीका है? इंद्रियों पे काबू, इम्यूनिटी को बढ़ा, कैसे होगा ये? अभी क्या हुआ, मॉडर्न समय के अंदर आप देखो, भगवान पे विश्वास करने वाले को, और जब मैं भगवान बोल रहा हूँ तो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने क्रिएटर को आप मान ले, भगवान पे विश्वास करने वाले को हमने बोला कि वो गवार है। जो भी व्यक्ति होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, हम लोग कहते हैं ये तो बहुत पुरानी सोच का है, ये तो गवार है, साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। मैं तो फिजिक्स का ही टीचर रहा हूँ, आप इतिहास के जितने बड़े साइंटिस्ट उठा लो, सब ये कहते हैं कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी। जो भी आपका लक्ष्य है ना बेटा, वो बहुत खूबसूरत है। उस लक्ष्य को ऐसे मत देखो कि वो दानव है, वो राक्षस है, बनना बहुत कठिन है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, बहुत खूबसूरत है वो लक्ष्य, बाहें खोल के आपका इंतजार कर रहा है, आपको सिर्फ